अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। लेकिन जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है घर में इस वक्त क्वारंटाइन पीरियड में, जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, मैं उन्हीं चीज़ों से बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइस के लिए ऑलरेडी पानी रख दिया है, गर्म भी हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। और यहाँ पे ये मैंने 2 ग्लास राइस धो के रखा है। ये जो चावल है ये मैं रेगुलर चावल यूज़ कर रही हूँ, जो डेली में हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वही चावल मैं ले रही हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी 3 बार अच्छी तरह वॉश करके रख दिया है। तो ये मैं अभी पानी में, गर्म पानी में डाल दे रही हूँ। और जो भी मेरे पास घर में इस वक्त अवेलेबल वेजीज है मैं उसी से बना रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो ये राइस डाल दें, अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी। नमक मैं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। ये मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया और उसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेमन का जूस भी शामिल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि चावल जो है ना वो खिले खिले रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक हाफ लेमन जूस शामिल कर दिया है। अब मैं राइस को मिक्स कर दूंगी, एक अच्छा सा स्टर दे देंगे और इसे सिर्फ 80% ही कुक करेंगे, फुल कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसे होने देते हैं और हाथ के हाथ में यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे एक खुले मुंह का बर्तन ले रही हूँ, जिसमें मैं अभी ये पैन में कुछ गर्म है तो ये थोड़ा इसका पानी अंदर जो वॉश करके रखा था मैंने, तो पानी सूख जाए तो फिर मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसे गर्म होने देंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। ये फ्लेम हाई है, ये तेल गर्म भी हो चुका है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे, ये मेरे पास है ना 300 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन। जब मैंने चिकन लिया था शॉप से तो मैंने चिकन वाले को बोला था कि मुझे थोड़ा सा ब्रेस्ट के साइज से बोनलेस चिकन बना के दीजिए। तो मैंने एक होल चिकन लेके उसका बोनलेस निकलवा के लिया था। शॉप वाले को बोलेंगे, मुर्गी वाले को तो वो करके देता ही है। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था और ये चिकन है ना, मैंने, मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर है, मैंने उसे हैंड चॉपराइजर से चॉप कर लिया है। बहुत जल्दी भी हो जाता है एंड इट इज़ वेरी यूजफुल और टाइम भी बच जाता है। ये यहाँ पे मैं भून रही हूँ पहले ऑयल में। अब यहाँ पे मैंने ये जिंजर एंड गार्लिक और हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च और अदरक लहसुन, 1 अक्खा लहसुन का डली लिया है मैंने। और मैंने 2 इंच का लंबा एक टुकड़ा जिंजर का लिया था, अदरक का बारीक। मैंने ये, मेरे पास, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरे पास एक चॉपराइजर है, उससे मेरा काम बहुत फटाफट हो जाता है, तो उससे मैंने इसे चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें ये स्प्रिंग अनियन है मेरे पास, घर में था तो मैंने स्प्रिंग अनियन लिया हुआ है, लेकिन ये जो प्याज का सेक्शन है मैं वो अभी पहले डालूंगी। इसे भी मैंने उसी चॉपराइजर में बारीक चॉप कर लिया था। तो ये प्याज का हिस्सा मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन का। फ्लेम हमेशा हाई पे ही रखना है, फ्राइड राइस बनाए या नूडल्स बनाए, ये वेजीज को सिर्फ स्टर फ्राई करना रहता है तो फ्लेम हमेशा हाई पर ही रखना होता है। ये मेरे पास गाजर पड़े हुए थे फ्रिज में तो मैंने ये भी जूलियंस कट कर लिए हैं। और ये मेरे पास कैबेज थी तो मैंने ये कैबेज भी बारीक कट कर लिया है, वो भी मैं शामिल कर दूंगी। सिर्फ ये जो स्प्रिंग अनियंस की पत्तियां है ना, ये मैं बाद में लास्ट में, ये जो स्प्रिंग अनियंस की पत्तियां हैं ये मैं लास्ट में डालूंगी, अभी नहीं शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ हम इतनी ही चीज़ों को शामिल करेंगे और इसे मैं अच्छा एक स्टर दूंगी।
और ये बिल्कुल फटाफट हो जाएगा, चिकन भी बहुत जल्दी गल जाएगा, तो अलग से इसे बॉईल करना की ज़रूरत नहीं है, चिकन को बॉईल करना श्रेड करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास यहाँ पे कैप्सिकम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ ज़रूर डालिए, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। अब मैं इसी पॉइंट पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अगेन एज पर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये हो गया, घर में थोड़ा तीखा ज़रूर पसंद करते होगा आपके लिए, तो मैं थोड़ा और, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ 4 ग्रीन चिलीज ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं ये ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ये टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर रही हूँ, एंड सोया सॉस ये भी मैं शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा विनीगर, विनीगर मैं हाफ स्पून ही ले रही हूँ। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये मैं थोड़े से ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ, ये 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह स्टर फ्राई कर देंगे। वहीं पे चावल तो मैंने रखे हुए ही है, बस अब इसे 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें स्प्रिंग अनियन शामिल कर देंगे। स्प्रिंग अनियंस डाल दिया मैंने, थोड़े से मैं रोक के रख दूंगी स्प्रिंग अनियंस गार्निशिंग के लिए। कैप्सिकम नहीं है मेरे पास, जितने वेजीज मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उन्हीं वेजीज से बनाया है। इसे होने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। हो गया है तो मैं ये चिकन स्टॉक डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन ये अगर आपके पास है और डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास अक्सर रहता ही है फ्रिज में, आई ऑलवेज कीप इट। इसे भी मिक्स कर दूंगी, और ये मैंने यहाँ पे 2 अंडे का एग स्क्रैम्बल बनाया है, वो भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें। ये हो गया, अब हम इसमें राइस मिक्स कर देंगे फटाफट से। यहाँ मैंने साथों साथ एक भगोने में पानी गरम के लिए रखा है सूप के लिए। मेरे पास ये नौर का पैकेट्स का सूप है, तो मैं यही नौर वाला ही सूप का पैकेट डाल रही हूँ, तो फ्राइड राइस के साथ सूप बहुत टेस्टी देगा। पानी गरम हो गया था तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये राइस भी अलग कर दिया है। ये राइस 80% कुक है, इसका पहचान हम ये जो दाने होते हैं ना, अगर इसके 2-3 टुकड़े होते हैं दैट मीन्स ये हाफ 80% बॉइल है, लेकिन अगर वहीं पे दाने अगर मैश होते हैं, देखो ये मैश नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये प्रॉपर राइस फ्राइड राइस के हिसाब के बने हुए हैं। तो अब मैं ये राइस इसमें शामिल कर दूंगी। इसे 80% ही कुक किया और देखिए कितने खुले खुले बने हैं राइस। इसका ट्रिक एक है कि इसमें थोड़ा लेमन जूस पकते वक्त डाल देना, ये मैंने रेगुलर जो हम राइस बनाते हैं ना चावल घर में, वही चावल लिया हुआ है, मैंने कोई अलग से लॉन्ग राइस वगैरह ऐसा कुछ लिया नहीं। जो भी मेरे पास इस वक्त क्वारंटाइन पीरियड में घर में अवेलेबल था मैंने उन्हीं चीज़ों से ये बनाया है। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा ये सूप भी बन रहा है। तो इसमें सूप में सिर्फ मैं लेमन जूस ही अभी फ़िलहाल डालूँगी, अगर कॉर्न्स अवेलेबल है आपके पास तो कॉर्न भी डाल सकते हैं सूप में, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ अभी लेमन जूस ही अभी के लिए इसमें डाल रही हूँ।
मिक्स करके फिर आपको सर्व करके बता दें। ये अच्छा पक रहा है तो अभी मैं इसमें खाली थोड़े से ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। ये जो एक दो सीड आई है ना, ये निकाल देंगे हम। और अब हम इसे सर्व करेंगे, फ्राइड राइस और सूप, चिकन सूप। इसमें थोड़ा स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे, जो मैंने शुरू में बोला था रोक के रखी हूँ करके, वो मैं डाल दूँगी। और सूप को भी हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल के। गर्मा गर्म फ्राइड राइस और सूप रेडी है, चिकन सूप रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।